तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे आकलन कार्यपत्रक एक सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 जो कि आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल की तरफ से, ठीक है, 17 अगस्त को। और अगर आपने हिंदी असेसमेंट 1 नहीं किया तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, उसके भी आंसर अपलोड हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन को देखेंगे, समझेंगे और लास्ट में सारे आंसर लिखकर भी बता देंगे, वहाँ से आप नोट कर लेना। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व से व्यापार का एकाधिकार चार्टर किसे प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? तो आंसर नंबर सी राइट है, फर्स्ट का महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, 1651 ईस्वी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। फोर्थ क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार मिल गए? तो बी ऑप्शन राइट है, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध फोर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन फाइव, मराठों का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख कहलाता था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, पेशवा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हड़प की नींव किसने तैयार की? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी। अब 7 से 10 हमको ए कथन आर कारण के रूप में डिस्कस करना है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD के अकॉर्डिंग कोई एक हमारा सही है, ठीक है, और हमें उसी हिसाब से इसका आंसर देना है। तो इसमें भी देखते हैं, सबसे पहले हम, तो 7वां क्वेश्चन है कथन ए, ठीक है, कथन ए कथन आर के अकॉर्डिंग दोनों बातें सही हैं, इसीलिए 7वें हमारा ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, ए, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन, इसमें भी कथन ए और कारण आर भी सही है, इसलिए इसमें भी ऑप्शन हमारा ए ही राइट होगा, यानी 7 में भी ए, 8 में भी ए। 9 क्वेश्चन में कथन ए और कारण आर, ठीक है ना, ये दोनों, इसमें हमारा 9 में जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कथन ए सही है लेकिन कारण जो आर दे रखा है ये गलत है। इसी प्रकार 10 है, 10 में भी कथन ए सही है और कारण आर गलत है, इसीलिए सी इसमें भी राइट है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ठीक है, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर नंबर फर्स्ट में सी, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट। आंसर नंबर टू में बी, 1651 ईस्वी। आंसर नंबर थ्री ए, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। आंसर नंबर फोर बी, बक्सर का युद्ध। आंसर नंबर फाइव सी, पेशवा। आंसर नंबर सिक्स डी, लॉर्ड डलहौजी। एंड 7 में ए, 8 में भी ए, 9 में सी, 10 में सी, ठीक है, यानी 7, 8 ए, 9, 10 सी, ठीक है। आपको ऐसे लिख के टिक मार देना, ध्यान रखना, आपको बाकी कुछ करना नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ आपकी जो असेसमेंट 1 SST थी कंप्लीट हुई। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस असेसमेंट 1 के आंसर के साथ, ठीक है।